नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अम्ब्रेला कट लहंगी की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। तो ये मेरे पास साड़ी है, इसका अपन अम्ब्रेला कट लहंगा बनाएंगे। तो लहंगा स्टार्ट करने से पहले इसके नाप का मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसका लंबाई है 38 इंच और कमर का साइज है 42 इंच। तो इसकी जितनी लंबाई है, अपन इसके नीचे कैनवास या बुकरम लगाएंगे, इसलिए जितनी लंबाई है उतनी ही अपन इसकी लंबाई लेंगे। और जो जितना सिलाई में जाता है उतनी ऊपर की वो चीन की पट्टी लग जाती है। तो 38 इंच लंबाई है तो इसकी 38 इंच लंबाई लेंगे। कमर 42 इंच है तो अब अपन कमर का नाप निकाल लेते हैं। तो 42 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो आता है 39 इंच। अब 39 को 3 से ही डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करते हैं 39 को तो आता है 13 इंच। 13 इंच से अपन की कमर की गोलाई की कटिंग होगी ऊपर। और ये 13 इंच जितनी लंबाई है लहंगे की उसमें प्लस होगा और उतना ही अपन को कपड़ा लेना होगा फिर लहंगे की कटिंग करने में। तो ये 38 में 13 मिलाते हैं तो आता है 51। 50 इंच लंबाई का अपन कपड़ा लेंगे डबल साइज में लहंगे की कटिंग करने के लिए। तो मैं पहले आपको ये पन्ने के सहायता से समझा देती हूँ किस तरह से अपन को कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह से अपन कपड़े की लंबाई के हिसाब से फोल्ड कर लेंगे, फिर इसको वापस इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ये जो ऊपर का कोना होता है, कोने वाला पार्ट है, वहाँ पे कमर का नाप लगेगा और नीचे अपन की जितनी लंबाई है उसके हिसाब से इसकी लहंगे की गोलाई आ जाएगी। तो यही फॉर्मूला अपन इस कपड़े पर ट्राई करते हैं। तो चलिए इसके कपड़े से कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब इसका एक किनारा लेकर वहाँ से इसकी 51 इंच की लंबाई लगा लेंगे। यहाँ पे अपन ये निशान कर लेंगे, थोड़ा सा कट का निशान लगा के 51 इंच पे, ताकि अपन को आसानी रहे बाद में ये नाप वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। वापस इस कट के सहायता से अपन इसको वापस लंबाई में फोल्ड कर लेंगे। ये डबल साइज में साइड में मैंने फोल्ड कर लिया है। ये 51 इंच लंबाई है इसकी। और अब इसको ये दूसरे वाले पार्ट को उसी से मिलाते हुए इसको छोटा समेट लेंगे। अब ये जो कोने वाला पार्ट है वहाँ कोने से लगा के और ये 13 इंच पे ये मार्क करेंगे। अब ये ऊपर से कोने पे टिकाए रखें और नीचे से इसको इंची टेप को इस तरह से गोलाई में घुमाते जाए और 13 इंच पे मार्क करते जाए। तो ये कमर का बेसिक नाप है। आप किसी भी साइज के लहंगे पे ये ट्राई कर सकते हो। ये जो मैंने फार्मूला बताया था 3 इंच माइनस करके 3 इंच से डिवाइड कर लीजिए, किसी भी साइज का कमर का परफेक्ट नाप मेजरमेंट है, हर साइज के नाप में परफेक्ट रहेगा। तो अब इसके इन लाइन से मार्क कर लेते हैं गोलाई में जो अपन ने निशान लगाया था। अब इसी लाइन से नाप के कमर की वो लहंगे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 38 इंच थी तो 38 इंच पे वो जो ऊपर कमर के गोलाई का निशान लगाया था वहाँ से इंची टेप को टिका के नीचे इस तरह से घुमाते जाए और 38 इंच पे ये निशान लगाते जाए। ये चारों तरफ है इसकी, जितना ये गोलाई है कपड़े की उसमें सब में ये अपन 38 इंच का निशान लगा लेंगे। ये मैंने पूरे लहंगे के इस तरह से ये इसके 38 इंच पे गोलाई लगा दिया। अब इसके ये कमर का कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये 10.5 इंच बराबर आया है। ये इस फार्मूले से बिल्कुल परफेक्ट रहेगी आपकी कमर। 42 इंच का चौथा हिस्सा 10.5 इंच होता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। और अब अपन इसके ये लंबाई का घेरा भी काट लेंगे जिस हिसाब से अपन ने नाप लगाया था उसी तरीके से। अब ये जो यहाँ पे कम है ना कपड़ा, ये यहाँ पे अपन का जॉइंट लगेगा। तो अब ये इसी में से ये बचे हुए कपड़ा है ये ऐसे इस तरह से ये किनारे को मिलाते हुए इसको ये गोलाई में कटिंग कर देंगे। इसमें अपन को 2 टुकड़े जॉइंट करने पड़ेंगे। अब ये दूसरा वाला नाप के कटिंग कर देंगे इस हिसाब से। नाप के थोड़ा बहुत अगर कम बत्ती हो तो ये पूरी सिलाई लगाने के बाद इसको छांट सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको ख़ास तरीका बताऊंगी जिससे आपका लहंगा में लब्बे नहीं पड़ेंगे,
या नहीं तो क्या होता है कि ये बीच में से तिरछा पार्ट होने की वजह से अक्सर लहंगा बीच से लटक जाता है। अभी इसमें अपन अस्तर लगाएंगे तो ये अस्तर वाला पार्ट है, इसकी भी मैंने उसी साइज में कटिंग कर ली है। ये लहंगे वाले पार्ट को रख के ऊपर इसकी अस्तर की भी कटिंग कर ली है। अब इसकी चीन की पट्टी निकाल लेंगे। ये 42 इंच की चीन की पट्टी निकाल ली है मैंने। ये इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अब इसे के नीचे अपन बुकरम लगाएंगे, तो अब बुकरम की पट्टियाँ निकाल लेते हैं। तो बुकरम की पट्टी इस तरह से निकालेंगे, ये कोने पे रखते हुए एक साइड से, और जितने लहंगे की ये गोलाई है उसी हिसाब से अपन इसके मार्क कर लेंगे बुकरम पे। उस हिसाब से अपन को ये इसकी गोलाई का नाप मिल जाएगा। अब इस जितनी अपन को बुकरम की मोटाई रखनी है उस साइज से मार्क कर लीजिए। तो मैं इसकी 3 इंच की मोटाई रख रही हूँ, तो मैं ये 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये 3 इंच पे मार्क करके और इस तरह से अपन इसकी ये हल्की जितने गोलाई के हिसाब से नाप लगाया है उसी हिसाब से अब मैंने इसकी कटिंग कर ली। मैंने लहंगे में ये बुकरम यूज किया है। आप चाहे तो इसमें पेस्टिंग भी यूज कर सकते हो, पेस्टिंग इजीली चिपक जाता है और बुकरम को सिलाई से ही स्टिच करना पड़ेगा, पर अक्सर ज़्यादातर लहंगों में बुकरम ही लगाया जाता है, इसलिए मैंने ये बुकरम ही यूज किया है। तो अब अपन इसकी ये इस हिसाब से जितने लहंगे में लगेगी उतनी ये पट्टियाँ काटते जाएंगे इसी गोलाई में। ये गोलाई का नाप अपन को एक बार लेना है, और ये अब ये गोलाई का अपने आप निकल गया है नाप, उसी पे ये इन पट्टियों को रखते जाए और ये गोलाई से इनकी कटिंग करते जाए। इसी तरीके से मैंने ये सारे लहंगे की पट्टियों की कटिंग कर ली है। इसी तरीके से अपन को इसको गोलाई में घेरा बनाना है। अब इसके जो नीचे कवर में कपड़ा लगेगा उसको भी इसी तरीके से अपन को गोलाई में ये बचे हुए कपड़े में से काटना है। ध्यान रखना ये कपड़ा इतना काटना कि ये दोनों साइड फोल्ड हो सके। तो ये करीबन मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा काटा है, आधा आधा इंच दोनों साइड में एक्स्ट्रा रख के। ये इसी तरीके से अपन को गोलाई में सारी पट्टियाँ लेनी है जितने लहंगे में लग जाए। अब अपन पहले मैंने इसके ये सिलाई लगा दी है जॉइंट पे, और अब इस अस्तर को अंदर की तरफ करते हुए अब सबसे पहले नेफा बनाएंगे। अब मैं नेफा बनाना बताती हूँ। तो अब इन दोनों को बराबर स्टिच कर लिया। ये नेप है कि मैंने 2 पट्टियाँ काट दी है। ये 2 इंच चौड़ाई है इनकी और 4 इंच लंबाई है। इसको एक पट्टी को दोनों तरफ से सिलना है और एक को एक साइड से सिलना है। आप चाहे तो इस पे जिप भी लगा सकते हो, पर मैं इसकी ये हुक की पट्टी बना रही हूँ। आप इस पे हुक इजीली लगा सकते हो, क्योंकि इसमें ये नेफा बनाना ज़रूरी होता है। कुर्ती कांचली में तो बिना नेफा बनाए भी लहंगा बन जाता है इसमें, क्योंकि ब्लाउज के नीचे पहना जाता है ये अम्ब्रेला कट लहंगा, इसलिए ये आप नेफा अवश्य बनाएं। तो ये दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगाई थी उसको सीधा कर लिया है, और इसको अपन ये पीछे वाले पार्ट पे स्टिच करेंगे। ये लेफ्ट साइड में पीछे वाला जो पार्ट होता है उस पर ये दोनों साइड से सिलाई लगाई हुई है उसको स्टिच करेंगे, और ऊपर जितनी सिलाई लगती है उतना आधा इंच छोड़ के फिर इसकी सिलाई लगानी है। ये ध्यान रखना, ऊपर आधा इंच छोड़ना है इसको। ये इस तरह से इन दोनों कपड़ों के साथ में इसको ये नेफे की पट्टी को स्टिच कर देंगे। और ये जो उप ये देखिए आधा इंच मैंने छोड़ दिया है सिलाई जितना, और ये अब ये जो आगे वाले पार्ट पे जो पट्टी लगेगी वो ऊपर की तरफ से खुली है, ये ऊपर चीन में स्टिच होगी ऊपर से भी, इसलिए इसको ऊपर से ही इसकी सिलाई लगानी है। ये ऊपर की तरफ रहती है और वो बाहर नीचे वाले साइड में रहती है, ये जो आगे से मुड़ी हुई है वो। तो इस तरह से ये नेफे की दोनों तरफ पट्टियाँ लग गई है, जिसके ऊपर आप हुक वगैरह कुछ भी लगा सकते हो जिससे ये नेफा पूरा कवर हो जाता है। तो अब अपन इसकी चीन की पट्टियाँ लगा लेते हैं। तो ये चीन को अपन इस तरह से ये कट लगा के 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, ताकि अपन का घेरा बराबर आए चारों तरफ से। इसको मिला के लगाते हैं सिलाई तो एक सार आती है ये चीन की सिलाई। इसी तरीके से ये 4 कटे इस लहंगे पे लगा देंगे। ये इस तरह से लगाते हैं तो अगर अपन के चीन और ये लहंगा बिल्कुल बराबर रहता है, कम जाता नहीं होता, नहीं तो ये तिरछा होने की वजह से खिंच जाता है। अब इस लहंगे को दोनों अस्तर वाले पार्ट और लहंगे वाले पार्ट दोनों को मिलाते हुए इसके ऊपर चीन की पट्टी को स्टिच करेंगे। अब ये चीन की पट्टी को मैंने नीचे रख लिया है। ये जो नेफे की जो पट्टी लगाई थी इसको आगे एक्स्ट्रा की तरफ ही रखना है। ये देखिए इसके किनारे से यहाँ चीन की सिलाई स्टार्ट करनी है।
तो ये अभी अपन ने ये जो बीच में चार कट लगाए थे उनको आपस में मिल लेंगे और चीन की पट्टी के दोनों के मिलाते जाए और लगाते जाए, और ये आगे वाले साइड में जो नेफे की पट्टी लगी थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा देनी है। ये इस तरह से ही किनारे पे पक्का करके अब ये इसको चीन को वापस से ये ऊपर की तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, और नीचे वाले पार्ट को खींचते जाए, ऊपर वाले पार्ट को हल्का रखे, तब आपके बेलनी पड़ेगी, नहीं तो चीन में भी अक्सर बेलनी आ जाती है। ये देखिए ये मैंने पूरी चीन की पट्टी लगा दी है। अब मैं आपको लहंगे की छटाई करना बताती हूँ। ये जो बीच का पार्ट है, जो तिरछा पार्ट होता है, इसको अपन खींच लेते हैं पहले ही, नहीं तो ये बाद में लटक जाता है। तो अभी आपको जितना खींचोगे उतना ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, फिर आप जितनी ये जो किनारी वाला साइड है जितनी लंबाई है वो किनारे से नहीं खींचता है, तो अब ये किनारे वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके ये आगे वाले तिरछे वाले पार्ट के ऊपर रखिए। अब ये देखिए ये इतना एक्स्ट्रा हो गया है ना अपना आगे से, अगर अपन इसकी छटाई नहीं करेंगे तो ये अपना लहंगा इस तरह से हो जाएगा बड़ा। तो अब अपन इसकी छटाई कर लेते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल गोलाई में बराबर रहेगा आपका लहंगा चारों तरफ से। अब ये देखो इसको वापस फोल्ड कर लीजिए, अब ये जितना एक्स्ट्रा है उसकी छटाई कर दीजिए। अगर आप इस तरह से छांट के लहंगा बनाओगे तो आपका लहंगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब मैं इसके ऊपर ये बुकरम स्टिच कर रही हूँ, तो ये नीचे का घेरा वाला पार्ट है उसके ऊपर ये जो पट्टी निकाली थी अपन ने फोल्डिंग की वो पट्टी, और ये इसके ऊपर ये बुकरम रखते हुए ये गोलाई में इसके इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगी। ये गोलाई वाला पार्ट गोलाई पे लगेगा। मैं इनको सील के एक कल नहीं किया था, मैं इन्हीं को इसी तरह सीधा ऊपर रख के ही स्टिच कर रही हूँ पट्टियों के जॉइंट को, ताकि अपन को गोलाई में एकदम सही आए, नहीं तो अपन का कहीं खींच जाता है तो ये गोलाई सही नहीं आती है, तो ये अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। अब इसको ये बुकरम के ऊपर की साइड में सिलाई लगा दी है मैंने ये फिनिशिंग की, जिससे अपन का ये ऊपर का घेर एकदम अच्छे से बाहर निकल के आ जाएगा। ये ऊपर की सिलाई लगा दी है ये बुकरम के ऊपर इस तरह से स्टिच करके, अब ये अपन को गोलाई की सिलाई लगाएंगे, ये एकदम सही आएगी, इसमें बिल्कुल बेलन वगैरह नहीं पड़ेगी। अब ये बुकरम पे जो ये कपड़ा था एक्स्ट्रा, इसकी इस तरह से फोल्डिंग करते हुए पहले सिलाई लगा लीजिए और फिर इसके ऊपर ये फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अब तो ये बुकरम के ऊपर इस तरह से ये कपड़े को फोल्ड करते हुए पहले सिलाई लगा लीजिए, ताकि बाद में इजीली अपन की ये जो घेरे की सिलाई आसानी से लग जाएगी। ये बिल्कुल अपन का गोलाई में कटा हुआ है, बिल्कुल सही तरीके से ये लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एकदम इजीली लग जाएगा ये। इस तरह से पहले मैंने नीचे सिलाई लगा दी थी, अब ऊपर से इस तरह से हल्के हाथों से इसको सीधा करते जाए और ये पूरे घेरे में सिलाई लगाते जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने ये पूरे घेरे पे सिलाई लगा दी है। अब लगभग अपना लहंगा बिल्कुल बन के तैयार है। अब ये साइड की सिलाई लगा देते हैं, साइड की सिलाई लगा के ये जो नेफे का ये जॉइंट है यहाँ पे इस तरह से पक्का करते हुए ये साइड की किनारी पे नेफो की उतार देंगे मशीन को। अब इसको ये देखिए ये अपना नेफा बन के तैयार है, इसको ये ऊपर वाले पार्ट की तरफ है ये स्टिच कर देंगे, ये ऊपर की तरफ से ये फोल्ड करके इसके ऊपर ये यहाँ पे स्टिच कर देते हैं। अब आप इसके ऊपर हुक लगा सकते हो, जैसे ये पूरा कवर हो जाएगा इस पर आपको जिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपना लहंगा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए ये बुकरम बिल्कुल सही लगा है, बिल्कुल भी बेलन वगैरह बिल्कुल नहीं है ये, और लहंगे अस्तर वाले पार्ट को मैंने खुला ही रखा है, तो ये मैंने अस्तर वाले को अलग से नीचे फोल्ड कर दिया था। अगर आप चाहे तो अस्तर को साथ में भी स्टिच कर सकती है। और ये देखिए ये नेफे की पट्टी मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह से आ जाती है, तो यहाँ पे आप हुक लगा सकते हो तो ये नेफा पूरा कवर हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।